सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को बिल्कुल फ्री और बेल आइकन दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल। इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नोकिया ने अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन नोकिया 6 2018 वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन में सबसे अहम खासियत, इसमें 4GB रैम दी गई है और 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। HMD ग्लोबल ने आखिरकार अपना काफ़ी पॉपुलर स्मार्टफोन नोकिया 6 2018 चाइना में लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन मिड रेंज स्मार्टफोन नोकिया 6 का अपग्रेड वेरिएंट है, जिसका नाम नोकिया 6 2018 रखा गया है। यह स्मार्टफोन ब्लैक और सिल्वर कलर वेरिएंट में अवेलेबल होगा। स्टोरेज की बेस्ड पर यह फ़ोन 32GB और 64GB स्टोरेज वेरिएंट में मिलेगा। HMD ग्लोबल ने अभी इस स्मार्टफोन को ग्लोबली लॉन्च होने के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि आउट ऑफ चाइना ये कब लॉन्च हो। इस नए नोकिया फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर को रियर पर दिया गया है। इसके अलावा नोकिया ने कैपेसिटिव बटन्स की जगह फ़ोन में ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन का यूज़ किया है। नोकिया 6 मेटल यूनिबॉडी के साथ आता है और इसे बनाने में 6000 सीरीज एल्यूमिनियम शीट का यूज़ किया गया है। अब बात करते हैं नोकिया 6 2018 के प्राइस और अवेलेबिलिटी की। 32GB स्टोरेज वेरिएंट की प्राइस 1499 चीनी युआन यानी करीब 14,600 इंडियन रुपीस होगी और 64GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट की प्राइस 1699 चीनी युआन यानी करीब 16,600 इंडियन रुपीस होगी। नोकिया 6 2018 अभी चाइना में ई कॉमर्स साइट सोनिंग पर प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल है और इसकी सेल 10 जनवरी से स्टार्ट होगी। नोकिया 6 के स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स की बात करें तो नोकिया 6 2018 में 5.5 इंच की फुल HD IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जिसका रिजोल्यूशन 1080p x 1920p दिया गया है और इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन भी दिया गया है। स्मार्टफोन में 2.2 GHz ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 630 प्रोसेसर दिया गया है। इस नई नोकिया फ़ोन में 4GB रैम और स्टोरेज 32GB एंड 64GB ऑप्शंस हैं। फ़ोन की स्टोरेज को 128GB तक माइक्रो SD कार्ड के ज़रिए एक्सपेंड किया जा सकता है। यह फ़ोन हाइब्रिड डुअल सिम सपोर्ट के साथ आता है, यानी आपके पास दो सिम कार्ड या एक सिम कार्ड एक माइक्रो SD कार्ड यूज़ करने का ऑप्शन रहेगा। कैमरे फीचर्स की बात करें तो नोकिया 6 2018 में अपर्चर f2.0 डुअल LED फ्लैश और फेस डिटेक्शन ऑटोफोकस के साथ 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। इसके साथ ही सेल्फी और वीडियो शेटिंग के लिए अपर्चर f2.0 और 84 डिग्री वाइड एंगल लेंस के साथ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। नोकिया 6 कंपनी की डुअल साइड टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है, यानी यूजर एक साथ रियर और फ्रंट कैमरे से पिक्चर्स ले सकते हैं। कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी को बोथी नाम दिया है। नोकिया 6 2018 स्मार्टफोन एंड्रॉयड 7.1.1 नोगट बेस्ड है और इस फोन में बैटरी 3000 mAh की दी गई है। कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें तो इसमें 4G LTE का सपोर्ट दिया गया है। इसके साथ ही ब्लूटूथ 5.0 वाईफाई GPS AGPS ग्लोनास 3.5mm ऑडियो जैक और USB टाइप सी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा सेंसर की बात करें तो एनवायरनमेंट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक कंपास, जायरोस्कोप, फिंगरप्रिंट और हॉल सेंसर जैसे सेंसर्स दिए गए हैं और इस फोन का वेट 172 ग्राम है। तो फोन नोकिया ने मिड रेंज स्मार्टफोन ही लॉन्च किया है, प्राइस भी ज़्यादा नहीं रखी है, 14,000 to 16,000 के बीच में रखी है और देखते हैं ये इंडिया में कब तक लॉन्च होता है। फिलहाल चाइना में लॉन्च हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और टेक वीडियोस देखना चाहती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।
और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इसी टाइप की और इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड डेली वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।